बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दमोह के स्कूल में हिंदू लड़कियों के हिजाब पहनने वाले मामले को लेकर कहा कि हमारी बेटियों पर दबाव डालकर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। और सिर्फ बेटियों का ही नहीं बल्कि स्कूल प्रबंधन ने दो हिंदू टीचरों का भी धर्म परिवर्तन कराया है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कटनी में वृक्षारोपण किया और देश प्रदेश वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पर्यावरण को बढ़ावा दिया है, अब कोई भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं कर पाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने महाकाल लोक में हुई घटना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बोला कि महाकाल लोक में जो भी हुआ वो एक प्राकृतिक घटना थी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो झूठ बोल रही है, झूठ बोलकर राजनीति में अपना अस्तित्व बना रही है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, 24 घंटे वो झूठ बोलते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा में जो कुछ हुआ है उसके लिए कानून और सरकारी स्तर पर और जो चीज़ें होनी चाहिए वो सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस केवल झूठ बोल करके आज राजनीति में अपना अस्तित्व तो बनाए रखना चाहती है, जो नहीं होगा। आपके झूठ को और आपके भ्रम फैलाने की राजनीति को मध्य प्रदेश गहराई के तौर पर जानता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दमोह में गंगा जमुना स्कूल के अंदर हिजाब को लेकर जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। हमारी बेटियों को और मासूम बच्चों को स्कूल प्रबंधक द्वारा जिस प्रकार से दबाव डालकर प्रेरित किया गया उस पर प्रशासन शासन ने कार्यवाही की है और स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। वीडी शर्मा ने कहा कि ये लोग जिहादी साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, इसके खिलाफ सिर्फ लव जिहाद को लेकर ही नहीं बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर भी कार्यवाही की जाएगी। इतना बड़ा संस्थान, इतने बड़े इन्होंने दुनिया खड़ी कर दी है साम्राज्य, जिसको मैं कहता हूँ कि दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला। हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मात्र नहीं, धर्मांतरण की कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ लव जिहादी, इसके पीछे जो इनकी मानसिकता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।